में संत पीपाराम छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने शनिवार शाम को मेस के खाने का बहिष्कार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि मेस संचालक उन्हें सही खाना नहीं दे रहा है। टंकी के गंदे पानी से खाना पकाकर उन्हें दिया जाता है, साफ सब्जियों का भी उपयोग नहीं किया जाता। छात्रों के भारी विरोध के चलते मेस संचालक मेस बंद कर चला गया। मामला विश्वविद्यालय कुल सचिव के पास पहुंचा तो उन्होंने हॉस्टल वार्डन सहित अन्य अधिकारियों को छात्रों की समस्या के समाधान करने और भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए। हॉस्टल के छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में SC/ST छात्रों के लिए संत पीपाराम हॉस्टल है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मेस संचालन के टेंडर दिया गया है। कई दिनों से मेस संचालक सही खाना नहीं दे रहा है। टंकी के गंदे पानी से खाना पकाया जाता है, सड़ी गली सब्जियों का उपयोग किया जा रहा है। विरोध करने पर झगड़े पर आमादा हो जाता है, मेस बंद करने की धमकी दी जाती है। हॉस्टल में करीब 70 से 80 छात्र रहते हैं और इस मामले में पहले भी वार्डन को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।